Hello everyone, how are you all? Once again, you're most welcome on online study. Today, we are going to study the last topic of this chapter, that is communication. In a previous video of this particular chapter, we have studied about human environment, settlement, transport, and now we'll study about communication. So, transport, we have पढ़ा था कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी थी कि कैसे ट्रांसपोर्ट इवॉल्व हुआ और आज हम बुलेट ट्रेन और एरोप्लेन पे ट्रेवल करते हैं. ठीक है, इन द सेम वे हमने चार टाइप के ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े थे, एक रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. एयरवेज में हमने पढ़ा था कि एयरवेज इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज द फास्टेस्ट एंड costliest modes of transport. It is also used to reach the inaccessible area. Okay, airways का use किया जाता है inaccessible area में पहुंचने के लिए. इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो कहीं पे railway को construct करना, roadways को construct करना is quite difficult और वहां पे हमें पहुंचना है तो फिर कैसे जाओगे वहां पे. जैसे कि हमारी जो army है वो सियाचिन में रहती है, वहाँ पे अपने बॉर्डर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए सियाचिन में रहती है हमारी आर्मी. वहाँ पे ना रेलवे है ना रोडवे है, तो कैसे वहाँ पे आर्मी के जवान पहुँचते हैं? दे रीच टू देयर बाय यूज ऑफ एयरवेज. ओके, हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज करके वहाँ पे पहुँचते हैं. ठीक है, हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो यू कैन से मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, एयरवेज का हम और भी यूज करते हैं, जहाँ पे मान लो कंट्री में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर के वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, रोडवेज ब्रोकन डाउन हो गए, रेलवेज ठप पड़ी है, तो फिर लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें पहुंचाने के लिए कौन सा ऐसा मोड है जो सामान को ट्रांसपोर्ट करेगा, फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेगा? इट इज ओनली एयरवेज. सो एयरवे इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. Although it is costly, but it is very effective. Got it? So this was about airways. अब हम पढ़ेंगे इस chapter का last topic, that is communication. So communication is the process of conveying messages, ideas. आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसका डेफिनेशन, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इन एन इफेक्टिव मैनर. कम्युनिकेशन का मतलब होता है आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, मैसेजेस को एक दूसरे से शेयर करना. ये दो तरीके के हो सकते हैं. ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है. पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को पर्सनल आइडियाज या फिर मैसेजेस शेयर करता है, उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का मतलब एक इंसान या एक किसी मोड से अगर एक ही साथ हजारों लाखों लोगों तक मैसेजेस पहुंचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन. ठीक है, अब दो तरीके के कम्युनिकेशन है. एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेड बिटवीन टू पीपल. पर्सन इज टू पर्सन इज कॉल्ड
what? Personal communication. Personal communication. समझ रहे हो? पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान जो है वो कोई कम्युनिकेशन किसी दूसरे इंसान को प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ये है पर्सनल कम्युनिकेशन। इसके मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन? तो लेटर, लेटर लिख के आप भेजते हो, तो लेटर्स हो गए, टेलीग्राम्स हो गए, टेलीग्राम में जब लेटर लिखते हैं, SMS, SMS short message system, वो भी किसका वो है, it is the example of personal communication। और भी क्या हो सकते हैं, you can say telephonic call करके हम personal communication करते हैं, ठीक है, तो telephone, telegram, letters, these are the mode of what? Personal communication। तो मैंने आपको personal communication पढ़ाया, पर्सनल कम्युनिकेशन में आप उसके मोड्स लिखोगे होमवर्क में, व्हाट आर द मोड्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। देखो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम आइडियाज या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इस तरीके से शेयर करते हैं कि एक बार में ही वो लाखों लोगों तक पहुंच जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। व्हेन आइडियाज इंफॉर्मेशन मैसेजेस आर shared to masses at the same time, at the same time, it is called mass communication, mass मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आइडियाज इंफॉर्मेशन मैसेजेस शेयर किया जाता है मासेस को, मासेस का मतलब लाखों लोगों के पास शेयर किया जाता है एट द सेम टाइम, एक ही समय में। जैसे कि मान लो कोई इंसान टीवी पे कोई एंकर न्यूज पढ़ रहा है, तो ये लाखों घरों में एक साथ टेलीकास्ट हो रहा है, तो एक ही समय पर लाखों लोग उस मैसेज को हासिल कर पाते हैं, उस न्यूज को हासिल कर पाते हैं, ठीक है, तो ये है मास कम्युनिकेशन। इन द सेम वे मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ कंट्री को एड्रेस कर रहे हैं और उसको सारे जो टीवी चैनल्स वाले हैं उसे कवर कर रहे हैं, उस तरीके से भी एक इंसान बोल रहा है, एक इंसान कुछ बता रहा है और लाखों लोग क्या कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, ये है मास कम्युनिकेशन। ये जो हम आपसे अभी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जैसे 60 70 80 90 बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस मोड से, दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, ओके, तो ऑनलाइन स्टडी। तो मास कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अलग है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया, मास कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाया, और मास कम्युनिकेशन को एक तरीके से क्या किया, एस्टैब्लिश किया। उससे पहले मास कम्युनिकेशन का बहुत ही कम जरिया हुआ करता था, लेकिन अगर मास कम्युनिकेशन का हिस्ट्री देखोगे तो शुरुआत में आती है प्रिंट हिस्ट्री, प्रिंट में जब पेपर छपते थे, मैगजीन्स छपते थे और वो लोगों के पास जाते थे, तो मास कम्युनिकेशन में अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो प्रिंट मीडिया ने बहुत हेल्प किया, इवन आज भी कर रहा है प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स लाइक इंटरनेट, दीज आर द मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसीलिए हम इन्हें मास मीडिया कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मास मीडिया। तो मास मीडिया के बारे में आपको बताना है एग्जाम्पल में, ये होमवर्क में करना है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय मास मीडिया, वो मोड जिसके तहत
लाखों लोगों के पास मैसेज एक सेम टाइम में पहुंचता है, उसे मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो मास मीडिया में क्या क्या एग्जांपल हो गए, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इंटरनेट का यूज करके ही चलेगा, रेडियो और प्रिंट मींस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, दीज आर द मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये मास कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कैसे संभव हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखो इन सब का जो बेसिक पार्ट है, ये इंटरनेट जो आज हमारे पास है, इसको सबसे ज्यादा हेल्प किससे मिली है, सैटेलाइट से। तो हमने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है, इसका सैटेलाइट का यूज करके हमने क्या किया, इंटरनेट चलाया। जैसे कि आज दुबई में आईपीएल होने वाला है और हम अपने घरों पे देख पाते हैं उसको, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट सिग्नल को कम्युनिकेट करता है और उसके बाद से हमारे पास विजुअल्स आते हैं। तो सैटेलाइट्स का यूज है टीवी चलाने में, रेडियो चलाने में, इंटरनेट चलाने में, और उसके बाद से सैटेलाइट का हम और भी यूज करते हैं, लाइक कहीं पे कोई मिनरल है, कहीं पे कुछ क्रूड ऑयल वगैरह है जो अर्थ के नीचे है, तो उसको भी सैटेलाइट क्या करता है, सर्च करता है। सैटेलाइट जो है ये भी तो इंफॉर्मेशन ही है ना, अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि This place is having some kind of minerals or crude oil. तो वहाँ पे हम जाके digging वगैरह करते हैं, mining करते हैं, तो उससे वहाँ पे हमें क्या मिलता है, resources मिलते हैं। तो satellite is also important mode of communication. और भी क्या करता है satellite, हमारी सुरक्षा में, हमारे country की सुरक्षा में, हमारे borders की borders को security provide करता है, किसी बाहरी आक्रमण से पहले ही हमें क्या बता देता है, ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि किसी दूसरे कंट्री ने क्या किया है, मिसाइल लॉन्च किया या फिर जो, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो सैटेलाइट इज आल्सो अ ग्रेट मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये मास मीडिया के बारे में आप लिखोगे, इसके यूजेस के बारे में लिखोगे, अगर मन करे तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेना, दो कंपैरिजन कर लेना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद से, किसी दो मीडिया को उठाना, प्रिंट मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया को टेलीविजन से कंपेयर करके बताना है, रेडियो को टीवी से कंपेयर करके बताना, देखते हैं तुम्हारा माइंड कहाँ तक काम करता है, कंपैरिजन का क्या बेसिस होगा कि कौन सस्ता है, कौन महंगा है, कौन ज़्यादा लोगों के पास है, कौन कम लोगों के पास है, ठीक है, किस पे काफ़ी इफेक्टिवली मैसेज को शेयर किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज किस मोड से सबसे अच्छी हो सकती है, इन सब चीज़ों के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, दो मास मीडिया के जो मोड है उनको कंपेयर करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर होपफुली खत्म हुआ। ये एक मैप है, दिस इज द मैप ऑफ सी रूट्स एंड एयरपोर्ट्स के मैप है। तो आप 10 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम लिखोगे, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, भारत में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो ICI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिवाजी टर्मिनल, ओके, ये सब क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। न्यूयॉर्क सेंट्रल, फ्रैंकफर्ट कनाडा में है, कायरो इजिप्ट में है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट। मेलबर्न, सिडनी, इन सब चीज़ों को बहुत आसान है, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। तो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, और अब हम नेक्स्ट आएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में बहुत आसान है, आप लोग इसे करना, क्वेश्चन आंसर इसका आप लोग करना, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। बट आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं, लाइक विनीता है, बुशरा है, सत्यम है, और बहुत बच्चे हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं आ रहा है ध्यान में, लेकिन सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होमवर्क आपको जरूर करना है, होमवर्क इज टू डू एक्सरसाइज क्वेश्चन, और जो मैंने इसके बारे में होमवर्क करने के लिए बोला। थैंक यू, बाय बाय।